तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविदा कर्मियों के मानदेय का नए सिरे से निर्धारण करवा रहे हैं। उस मानदेय में क्या क्या बेसिक बातें हैं, क्या क्या जो है कि उसमें मूलभूत सुविधाएं दी गई है, सेवा काल की गणना किस प्रकार करेंगे अधिकारी, यह सारे निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने विकास आयुक्त को समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं। और जो है कि मानदेय के निर्धारण में सातवां वेतनमान का प्रभाव कैसे दिख रहा है और कैसे संविदा कर्मियों का वेतन जो है कि कम से कम 30 से 35 हज़ार और अधिकतम 50 हज़ार होगा, यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो संविदा कर्मी भाइयों बहनों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति का पूरा जायजा ले लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का को पूरी जानकारी हो गया है कि किस संविदा कर्मी की ज़रूरत क्या है। और सभी संविदा कर्मियों का पूरा ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बड़ा समीक्षा बैठक किया है और समीक्षा बैठक के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत छोटे छोटे कर्मियों का भी हालचाल जाना है। संविदा पर कार्यरत पिछले 10-15 वर्षों से कार्य कर रहे संविदा कर्मियों का पूरा समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश ने कर लिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश इन सभी संविदा कर्मियों को मांगे सहित इनकी समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश विकास आयुक्त से कहा है कि आप लोग सभी संविदा कर्मियों के सेवा काल का गणना कर लीजिए, कौन सा संविदा कर्मी राज्य में कितने वर्षों से सेवा दे रहा है, और इसकी गणना की सुलभता के लिए विकास आयुक्त को संबंधित प्रधान सचिव से संपर्क स्थापित कर पूरी जानकारी प्राप्त करने का आदेश और निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान जो है कि दे दिया है। और इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश के जो है कि कारिंदे बिहार के उच्चाधिकारी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश ने यह भी कहा है कि सेवा काल की गणना करने के उपरांत सेवा में बिताए गए वर्षों को जोड़कर प्रति वर्ष की दर से कम 1,000 रुपये प्रति वर्ष ग्रेजुटी की राशि, मेडिकल एन पॉलिसी 500 प्रति माह और एनपीएस नई पेंशन योजना 6,000 रुपये जो है कि प्रति वार्षिक मूल्यांकन करके जो है कि साथ ही डीए 1,000 रुपया और अन्य भत्ता मद में कम से कम जो है कि 4,500 रुपये जोड़कर और जो है कि प्रति माह सारी राशि जोड़कर एक न्यूनतम मानदेय तय की जाए जो कि 30,000 से 35,000 रुपये यानी कि 35,000 से अधिक न हो और अधिक से अधिक जो है कि जो जिन संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि हो चुका है उनको जो है कि 50,000 से अधिक न हो अनधिक। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि छोटे से छोटे संविदा कर्मी का भी मानदेय तय किया जाए और उसमें ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस, मेडिकल एन पॉलिसी, टीए, डीए सारी राशि जो है कि अवश्य जोड़ दी जाए, यानी कि जो मानदेय की दर अब नए सिरे से विकास आयुक्त तय करेंगे उसमें जो है कि ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस, मेडिकल एन पॉलिसी, टीए, डीए आदि सारी राशि जोड़कर चाहे वह मानदेय न्यूनतम ही सही उसको जो है कि तय करने का काम बिहार के विकास आयुक्त के जिम्मे सौंपा गया है। और बिहार के विकास आयुक्त जो है कि मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक के उपरांत इस कार्यवाही को करने के लिए बाध्य है, वे जो है कि अब इसको टाल नहीं सकते हैं। और यह जो है कि समीक्षा बैठक ऐसे अवसर पर आयोजित की गई है जिसमें उत्तर बिहार के तमाम जिला पंचायत राज अधिकारियों सहित विभागों के सचिव, प्रधान सचिव, विकास आयुक्त सभी ने जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया है। और अगली समीक्षा बैठक दक्षिणी बिहार के तमाम अधिकारियों के साथ बहुत जल्द होने जा रहा है। अभी फिल्म जो भी मानदेय का निर्धारण सरकार करेगी उसमें जो है कि निम्न बातों का ख्याल निश्चित तौर पर रखा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि उसमें ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस, मेडिकल इन पॉलिसी, टीए, डीए और तमाम तरह के जो यह बताए जा रहे अधिकारियों के तरफ से वह भत्ते उसमें जुड़ेंगे और वह मानदेय चाहे 35,000, 30,000 जितना हो उसमें जो है कि इन तमाम राशियों को निश्चित तौर पर सरकार जो है कि शामिल करने जा रही है और एक न्यूनतम मानदेय की दर
सरकार तय करने जा रही है, जिसका लाभ जो है कि संविदा कर्मियों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी समीक्षा बैठक में बातें सामने आ रही है। उन लोगों के लिए जो है कि श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने अपनी समस्याओं को उठाते हुए कहा कि बिहार के जो है कि आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी और वर्गीकृत कर्मियों के लिए न्यूनतम मानक तय किया गया है और वह मानक 18,330 रुपये जो है कि कम से कम और अधिकतम जितना सरकार चाहे रख सकती है तय करके पत्र जो है कि जारी किया गया है और इसका अनुपालन भी अधिकारी लोग विकास आयुक्त के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें और इन सारी बातों पर विचार विमर्श के उपरांत जो है कि नई मानदेय के निर्धारण की दिशा में प्रगति जो है कि होने की उम्मीद अब जताई जा रही है और सरकार जो है कि पूरी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए संविदा कर्मियों को मानदेय का निर्धारण नए सिरे से करवाने जा रही है, जो तमाम संविदा कर्मी साथियों को इसका लाभ जो है कि आने वाले दिनों में प्राप्त होगा। चूँकि सेवा काल में बिताए गए वर्षों की गणना कर ग्रेजुएटी का लाभ देना एक जो है कि अत्यंत ही अच्छी और जो है कि सराहनीय पहल है सरकार की और इससे संविदा कर्मियों को जो है कि हताशा और निराशा से बाहर निकलने में काफ़ी जो है कि मदद मिलेगी और उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही खबरों को जानने और समझने के लिए जो है कि जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।